सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग मुखिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरी क्रिसमस। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुकिंग मुखिया पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टूटी फूटी केक की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/4 कप हमने चीनी पीसी ली है और 1/4 कप हमने ये तेल लिया है। इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे जिससे हमारा केक टेंडर और सॉफ्ट बनता है। यहाँ 1/2 कप हमने मैदा लिया है और 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है और 1/4 कप हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसको अच्छे से हमें छान लेंगे। इसको छानना बहुत ज़रूरी है। मैदा और टूटी फूटी को इसमें मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, टूटी फूटी इवनली स्प्रेड हो जाती है हमारे केक में। अभी हमने 1/2 कप दूध लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाते रहेंगे। इसको अच्छे से विस्क करना है और एक ही डायरेक्शन में करना है। यहाँ पर हमने 1/2 कप और 2 टेबलस्पून दूध लिया है। दूध थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। कुल मिलाकर हमने 1/2 कप और 2 टेबलस्पून इसमें दूध यूज़ किया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी रहेगी। अब इसमें क्या है, टूटी फ्रूटी में हमने मैदा ऐड कर ली है। इससे क्या है कि ये टूटी फ्रूटी इवनली स्प्रेड हो जाती है हमारे केक में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक परफेक्ट टी टाइम केक है जो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो और आप इसको स्नैक्स के रूप में भी इंजॉय कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक बेकिंग डिश ले ली है। इसमें हमने बटर पेपर लगा लिया है और ऑयल से ग्रीस कर लिया। आप किसी में भी बना सकते हो, आप किसी बोल या कटोरे में भी बना सकते हो। हमने बैटर सारा इसमें डाल लिया और इसको टैप टैप कर देंगे। इससे इसमें एयर बबल निकल जाएंगे सारे। अब इसमें हम टूटी फूटी डाल रहे हैं। आपको जितना पसंद हो आप उतना डालें। अब हम इस जुगाड़ू ओवन में केक बनाएंगे। इसको 30 से 35 मिनट तक रखेंगे। इसको हमने नीचे नमक फैला दिया है। इसको हमने पहले ही प्री हीट कर लिया था 5 से 10 मिनट के लिए। अब हमने केक रख दिया है और इसकी गैस हमने थोड़ा सा मीडियम रखी है। ये 35 मिनट हो गया है। अब ये टूथपिक डाल के हम देख लेंगे। देखिए टूथपिक हमारी क्लीन निकली है बिल्कुल। और टाइमिंग थोड़ा 5 से 10 मिनट कम या ज़्यादा हो सकता है। 5-10 मिनट ज़्यादा है कम हो सकता है, ये आपके बर्तन पर डिपेंड करता है। अब केक हमारा ठंडा हो गया है। इसको हमने 1/2 घंटे से ज़्यादा रख दिया था रेस्ट होने के लिए। केक ठंडा हो जाए तभी इसको डीमोल्ड करें। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए केक अपने आप से ये निकल आया है। हम इसको निकाल देंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये आप कभी भी बना के खा सकते हो। देखने में ही लग रहा हो आपको, देखो इतना खूबसूरत लग रहा है और उतना ही ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। देखिए और कितनी आसानी से ये बन गया बिना ओवन के। देखिए ये तोड़ने में ही पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट बना है। तो इस क्रिसमस पर ये केक बनाना तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।